गाइस जब आप एंटर करेंगे इस द्वार के अंदर तो लेफ्ट साइड में आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा और यहाँ लिखा है ट्रिब्यूट टू बलभद्र एंड हिज स्पिरिटेड फाइटर्स। नाला पानी बैटल हुआ था 1814 में जो एक महीना चला था। हेलो नमस्कार, कैसे आप सब दोस्तों। दिस इज़ बाशु एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद बाशु, अनदर डे अनदर ब्लॉग। गाइस आई एम वेरी सॉरी, काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तबीयत थोड़ी ख़राब थी, अभी ठीक हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। और आज का ब्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग ब्लॉग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से रिलेटेड आपका ये ब्लॉग है। और फ़िलहाल तो मैं हूँ नाला पानी, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ खलुंगा वॉर मेमोरियल। ये आपका देहरादून सिटी से करीबन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, आपका तपोवन चौक से ये करीबन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है आपका ये खलंगा वॉर मेमोरियल। आपने शायद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा एंग्लो नेपालीज वॉर के बारे में, 1814 टू 1816 के टाइम में ये हुआ था वॉर, काफ़ी फ्रंटियर्स में स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहला जो बैटल हुआ था आपका इसी जगह पर हुआ था देहरादून में, आपका नाला पानी बैटल 1814, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये आप ध्यान से देखिए, आपका एक ब्रिज होगा, वो क्रॉस करके आपको ये मिलेगा। ये आपका तपोवन चौक है और यहाँ से करीबन 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर है आपका खलंगा वॉर मेमोरियल। तो ध्यान से देखिएगा, ये बलभद्र खलंगा द्वार, बलभद्र कुंवर राणा गोरखा मिलिट्री के कमांडर थे, वो कैप्टन थे एक्चुअली। और यहाँ जो बैटल हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच में, तो गोरखा सोल्जर को यही लीड कर रहे थे। तो गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आपका बलभद्र खलंगा वॉर मेमोरियल और ये इसका गेट है। ये आपका वही लोकेशन है जहाँ बैटल हुई थी। ये आपका गोरखा सोल्जर्स के ओनर में, उनके याद में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये आपका जो स्मारक है बनाया था। आपको एंग्लो नेपाली जो वॉर है उसके बारे में आई थिंक पता नहीं होगा, 1814 में ये हुआ था, 1814 से 1816 तक आपका ये जो वॉर था हुआ था अलग अलग फ्रंटियर में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बलभद्र वॉर मेमोरियल और इसी जगह पे आपका जो बैटल हुआ था, आपका जो नाला पानी जो बैटल हुआ था इसी जगह पे हुआ था। और 1814 से 1816 के बीच में आपका जो एंग्लो नेपालीज वॉर जो हुआ था 1814 से 1816, और उसका सबसे पहला जो बैटल हुआ था इसी जगह पे हुआ था और ये उसका प्रतीक है। और आप सुन के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि ये जो स्मारक है ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और क्यों बनाया था, दे वर वेरी इम्प्रेस, उनका वेलोर देख के, उनका दमखम देख के, उनका फाइटिंग स्किल देख के, उनका एनर्जी देख के, ठीक है, क्योंकि एक महीना लगा इसको कैप्चर करने में, एक महीने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इसको कैप्चर किया था। और काफ़ी अटैम्प्ट उन्होंने लिया, काफ़ी फेल हुए और डिफरेंसेस काफ़ी थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो करीबन 3,500 से ज़्यादा थे, मॉडर्नाइज वेपन थे और सब। और एक तरफ आपका गोरखा जो थे उनमें कुछ महिलाएं थे, बच्चे थे और बुज़ुर्ग थे, और वो 600 थे बस। 600 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और जब वो एंट्री, जब उन्होंने एंटर किया देहरादून, गिलिस्पी जो उनको लीड कर रहे थे, रॉबर्ट रॉल्स गिलिस्पी वो कमांडर थे, तो जो वीर जब के बलभद्र कुंवर राणा जो हैं, बलभद्र जो कैप्टन थे यहाँ के, तो उनको पता था कि हम वैली में तो फाइट नहीं कर पाए, उनको थोड़ा ऑल्टीट्यूड में आना पड़ेगा। तो उन्होंने इधर का रुख उन्होंने किया, पहले इधर एक फोर्ट होता था
नालापानी फोर्ट जो आज नहीं है क्योंकि डेमोलिश हो चुका है पूरा टोटली, और करीबन एक महीना लगा था जो पहला जो अटैक था बाय द ब्रिटिशर्स वो करीबन 30 अक्टूबर में था पहला, उसके बाद सेकंड थर्ड ऐसे काफ़ी होते होते 30 नवंबर में जाके लास्ट उनका जो अटैक था और उन्होंने कैप्चर कर लिया था, बट वो पकड़ नहीं पाए बलभद्र कुंवर राणा को जो कैप्टन थे। वो अपने 70 और जो सर्वाइव्ड जो उनके जो सोल्जर्स थे उनके साथ वो निकल पड़े, यहाँ से निकल गए, और उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आगे जाके और अटैक करेंगे ब्रिटिशर के ऊपर। और ऐसे आपके और एक स्मारक है आपके शस्त्रधार रोड में, वहाँ ट्विन स्मारक है, और वहाँ आपके दो ऐसे, एक आपका जो स्मारक है वो ओनर करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके जो कमांडर थे गिलेस्पी, और एक जो स्मारक है वो बलभद्र कुंवर राणा को ओनर करता है, वहाँ भी जाके देखेंगे। और चौंकने की बात है कि ब्रिटिशर्स ने बनाया ये गोरखास के लिए, दे वर वेरी इम्प्रेस। उसके बाद से आई थिंक ब्रिटिश आर्मी में गोरखास को रिक्रूट करने लगे थे, आज भी करते हैं, रिक्रूट करते हैं, नेपाल से रिक्रूट करके ले जाते हैं। हमारे आर्मीज में भी गोरखा रेजिमेंट है, और हमारे आर्मीज में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको डर नहीं लगता तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप गोरखा हो गए, तो इस तरह का कहना होता है। इवन सिंगापुर पुलिस कंटिजेंट में भी गोरखा को रिक्रूट करा जाता है, तो क्यों करा जाता है, ओबियसली दे वेरी फेयरलेस फाइटर्स वॉरियर्स, अगर इनके पास बंदूक ना हो तो ये अपने खुकरी के साथ ही लड़ पड़ते हैं, तो वे वेरी प्राउड ऑफ देम एंड सल्यूट टू देयर ब्रेवरी। और जो बलभद्र कुंवर राणा है वो अपने नेपाल के इज़ वन ऑफ द नेशनल हीरोज। इस हर साल नवंबर के टाइम में, नवंबर आने वाला है, यहाँ मेला होता है, और उस टाइम का भी प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, और उस टाइम कमेमोरेट करा जाता है जितने भी जो वॉरियर्स गोरखास थे जो अपना जो शहीद हुए थे इस बैटल में, इस जगह पे स्पेशली। तो आप आ सकते हैं नवंबर के टाइम में, 24 नवंबर के भी आसपास ये आपका मेला स्टार्ट होता है। सो गाइस, अभी मैं हूँ शस्त्रधारा रोड, और यहाँ मैं आया हूँ ट्विन मेमोरियल, खलंगा मेमोरियल पार्क, यहाँ भी आपका स्मारक बना हुआ है, दो है यहाँ मेमोरियल जो बना है आपका, दो स्मारक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, इट इज़ द ओनली मार्टर मेमोरियल ऑफ इट्स काइंड इन हिस्ट्री वेयर विक्टोरियस आर्मी बिल्ड द मेमोरियल ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिस्पना इन मेमोरीज ऑफ दियर जनरल गिलेस्पी विद अदर आर्मी मैन एज वेल एज गोरखा जनरल बलभद्र थापा द एडवर्सरी टू पे ट्रिब्यूट टू देयर करेज जॉइंटली। विक्टोरियस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ये स्मारक बनाया था दो, ठीक है, ये इसको खलंगा पार्क के नाम से जाना जाता है, शस्त्रधारा रोड पर उस साइड आपका जो नालापानी जो बैटल ग्राउंड था उस साइड था, और वहाँ से मैं अभी बस इधर से आया हूँ इधर, तो आपके दो जगह पर आपका ये स्मारक बना हुआ है। ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हिल ऑफ दिस टॉम स्टूड द फोर्ट ऑफ खलंगा, कलुंगर कुछ लिखा है, खलंगा नाम है। आफ्टर टू असोल्ट ऑन द 31st अक्टूबर एंड 27 नवंबर इट वॉज कैप्चर्ड बाई द ब्रिटिश ट्रूप ऑन द 30th ऑफ नवंबर 1814, तो 30th नवंबर को ब्रिटिश आर्मी ने वो जो खलंगा जो फोर्ट था जो आपके पीछे मैंने आपको दिखाया उसको कैप्चर कर लिया एंड कम्प्लीटली रेज टू द ग्राउंड, मतलब पूरा ख़त्म डिमोलिश कर दिया था। सो गाइस, ये आपका दूसरा लोकेशन है, ये आपका शस्त्रधारा पे पड़ता है और ज़्यादा दूर नहीं है, मेन रोड के पास ही है, ये आपका खलंगा पार्क बोला जाता है इनको, और यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बट कमेमोरेट करने के लिए दोनों आर्मीज को ये दो स्मारक बनाए छोटे छोटे इस जगह पे। बट जो मेन जो बैटल हुआ था नालापानी में वो ठीक पीछे आपको दिखाया मैं, जो पहाड़ है उधर मैं आपको दिखा के आया, वहाँ एक ही आपका स्मारक बना है उसको, आप यहाँ के आप किसी को पूछेंगे तो आप मेमोरियल मत बोलिएगा, आप बोलिएगा खलंगा पार्क कहाँ है, तो आपको ये बता देगा जगह के बारे में, ठीक है, और ये जगह देखने के बाद आप नालापानी के साइड जा सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ माई ब्लॉग, आपको मैंने दोनों साइड दिखा दिए, वहाँ आपका जो खलंगा वार मेमोरियल जो नालापानी है वो भी आपको दिखा के आ गया, और ये आपका शस्त्रधार रोड पर है, मेन रोड के ठीक पास है, ये खलंगा पार्क बोला जाता है इसको, और ये आपका एंग्लो नेपालीस जो वॉर का पहला बैटल देहरादून में ही हुआ था, तो उसी का आपका ये स्मारक है। तो मैंने दोनों आपको दिखा दिया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, कोई सजेशन हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
हैव अ ग्रेट डे। और ये जो बलभद्र खलंगा विकास समिति के अंडर ही आता है, ठीक है, तो कृपया आप प्लीज आप जगह को थोड़ा साफ रखें, बहुत ही गंदा है। आप देखें लोग आते हैं यहाँ, ख़राब कर रहे, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है, छेड़खानी करते हैं, और खुद अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारा नेशनल धरोहर है। और प्राइड फील होना चाहिए सबको कि गोरखास ने कितना किया, और आज भी हमारे आर्मीज में रेजिमेंट है, ये हमारे लिए कितने ब्रेवरी दिखाते हैं और फाइट करते हैं दुश्मनों के साथ। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि इनके जो मोनूमेंट्स है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उनको हम थोड़ा संभाल कर रखें, तो बहुत ही गंदा है। प्लीज़ आप इसको देखिएगा, और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, जो भी देहरादून आते हैं तो इस लोकेशन को आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। आप यहाँ आइए, हिस्ट्री जानिए गोरखास के बारे में, उनके ब्रेवरी के बारे में।